बद्री गायों की जंगल में चुंगाते हुए की इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरी ग्राउंड रिपोर्टर टीम आज बद्री गायों के गौशाला और गौबाड़ों का दौरा कर रही है। अभी मैं बिल्कुल जंगल में हूँ और जहाँ तक मैं इस जंगल की बात करूँ, बहुत ही खूबसूरत दृश्य। शाम का वक्त लगभग 3 बज चुका है और मेरी टीम आज लगभग नेशनल हाईवे से 12 किलोमीटर की दूरी पैदल मार्ग पर देवभूमि उत्तराखंड का टेहरी उत्तरकाशी जिला का मध्य भाग पर खड़ी है। मेरे दाईं तरफ क्यारी चापड़ा, बाईं तरफ कंडका धाम और ये है अखिल भारतीय श्री हनुमान गौ सेवा ट्रस्ट की गाय हैं, चुंगती हुई गाय। और आज हम यहाँ पर गाय को चुंगाते हुए हम जंगल में, मेरी टीम गई। और जहाँ तक मैं जंगल में जाने की बात करूँ, इस तरीके की वेशभूषा होता है, आपको कमर में रस्सी बांधनी होती है, यानी पट्टे नुमा एक धोती बंधी होती है, क्योंकि कमर ऊपर नीचे चढ़ाई होती है, बंधी हुई है। लट्ठी साथ में होती है, दराती साथ में होती है और यहाँ एक घास के साथ एक यानी कटीली नुमा ये घास होती है, इसको कुमरे बोला जाता है, गढ़वाली भाषा में लग जाती, पूरे बदन में लग चुके हैं। घर आप जाएंगे, जब हम शाम को पहुँचेंगे तब स्नान होगा, गर्म पानी, यानी यहाँ पर राशन लाने के लिए घोड़े, रात्रि ड्यूटी के लिए कुत्ते और तमाम लगभग 161 गाय हैं, 38 से ज़्यादा गौ माताएं दूध देती हैं। दूध, मट्ठा, दही, घी की कोई कमी नहीं है, गौमूत्र की कोई कमी नहीं। खास तौर पर एक गाय जो बद्री गाय होती है, बहुत छोटे साइज की होती हैं और घास खाती हैं, हरी घास, और इसका जो दूध होता है बहुत ही गुणकारी, पौष्टिक, निरोग्य बनाता है। गौमूत्र को कान में, आँख में, मुंह, नाक में आप डालेंगे तो पूरे बहुत रिलीफ मिलता है। और जब आप गौमूत्र पीते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट और एक फुर्ती महसूस होती है। वो ये बद्री गाय, हम 5 दिन का अध्ययन कर रहे हैं, हम स्रोत कर रहे इन गायों पर, जो पहाड़ों, इस देवभूमि उत्तराखंड तपोस्थल में गौ माताएँ होती हैं, या बकरियाँ भी बहुत होती हैं, बकरी भी झुंड में चलती है, गौ माताएँ झुंड में चलती है, देखिए चूंकती बिल्कुल एकाग्र में, बकरी थोड़े तेजी से भागती है, घास की कोई कमी नहीं, बहुत बड़ी बड़ी घासें। ये बद्री गाय एक लहर में चलती हैं, इवन 6 मंथ के भी छोटे बछड़े इनके साथ हैं, बहुत खूबसूरत दृश्य आज। और हम कई पेड़ पौधों पर भी स्रोत कर रहे हैं, आज जाने का प्रयास कर रहे हैं, चीड़ का पेड़, बांज, बुरांस, मोरू और लगभग पीले कलर के फूल, बैंगनी कलर के फूल, सफ़ेद कलर के फूल, अनेक ऐसे झाड़ी और ऐसे पौधे हमें नज़र आ रहे, बहुत झाड़ी। और साथ में लगातार रात्रि के टाइम हमें 2 बाघ लड़ते हुए नजर आए, लगभग 2 घंटा वो भी हमने अपने कैमरे में कैद किया। खास तौर पर जब आप जंगल जाते हैं तो पटाखे रखते हैं जंगली जानवर को भगाने के लिए, जंगली सुअर, भालू और टाइगर यानी बाघ भी, कल भी देखा गया था, अभी भी उसकी घूरने की आवाज़ आ रही है, सुनाई देती है। गायों की रक्षा के लिए कोई क्षति न पहुँचाए, कभी कभी पटाखे के इस्तेमाल करते हैं, आवाज़ देनी होती है इस तरीके से, लगातार ये देखिए इस तरीके से, तो हैं। और बहुत खूबसूरत दृश्य, सूर्य भगवान में अस्त होते हुए और पूरे बदन यानी रिलैक्स, हम लेंगे स्पेशल ट्रेनिंग और बताएंगे आपको इस खूबसूरत दृश्य का और इस बद्री गाय की सेवा करने का जो हमें सौभाग्य मिला। इसके बाद हम आपको दिखाएंगे सीधे महानगरों पर मेरी मीडिया ट्रेनिंग कैंप, साथ में मेरी क्लास अकेडमी की, जहां पर मैं क्लास लेने जा रहा हूं कई जगह पर, महानगर पटना, मुंबई से लेके राजधानी दिल्ली पर मेरा 14 तारीख के बाद दौरा रहेगा। जय गंगा माँ, जय हिंद, जय गौ माता, जय भारत।